हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शेयर आज 20% भागा, अपर सर्किट में था 20% के। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो शेयर का नाम है आरपीपी इंफ्रा। तो दोस्तों, आरपीपी इंफ्रा जो है आज काफ़ी तेज भागा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये आज जब खुला मार्केट तब ये अराउंड 58 के आसपास था, 57-59 के आसपास था, और ये 70 बिल्कुल लॉस किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो कुछ दिन से ये गिर रहा था दोस्तों, फिर अचानक से आज बढ़ना चालू हुआ है। तो इसका न्यूज़ है दोस्तों, आइए जानते हैं वो न्यूज़ क्या है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो ऐसा है कि इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अराउंड 232 करोड़ का। कहाँ से मिला है दोस्तों? फ्रॉम हाईवे डिपार्टमेंट फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ा इनको प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों, इस कारण से ये शेयर जो है भागा है। और आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके। बट ओवरऑल जो है इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, इस कारण से ये शेयर भागा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस न्यूज़ को और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसके कुछ फंडामेंटल के बारे में कि इसका फंडामेंटल या फाइनेंशियल कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसके रेवेन्यू में। रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों, सितंबर 2019 में ये 140 करोड़ की थी, और फिर सितंबर 2020 में ये 94 करोड़ की हो गई, थोड़ा कम हो गया दोस्तों इसका रेवेन्यू। आइए जानते हैं इसके नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में देखेंगे दोस्तों, 2019 सितंबर में ये 5 करोड़ का था इसका नेट प्रॉफिट, सितंबर 2020 में 1 करोड़ का हो गया, ये भी कम हो गया दोस्तों। और इसके नेट ईपीएस देखते हैं दोस्तों, ईपीएस जो है 2019 में 2.5 था, और फिर ये सितंबर में हो गया दोस्तों 0.64 पे, काफ़ी कम हो गया दोस्तों। ओवरऑल अब देखेंगे तीनों चीज़ों में, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, में तीनों में घटा है। लेकिन अभी ये इसको प्रोजेक्ट मिल गए हैं तो ये शेयर इसलिए भाग रहा है दोस्तों, तो ये सब नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। दोस्तों, प्रोमोटर के पास अभी जो सितंबर 2019 में 53% है अप्रोक्सीमेटली, सितंबर 2020 में ये हो गए 53% आसपास ही है दोस्तों। सॉरी, लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है शेयर में कि इसके प्रमोटर के जो होल्डिंग्स है वो प्लेज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अराउंड सितंबर 2019 में 75% प्लेजिंग थे, और फिर सितंबर 2020 में ये थोड़ा प्लेजिंग कम हुआ दोस्तों, तो 62% हो गया है। तो प्लेजिंग जो है उतनी अच्छी बात होती नहीं दोस्तों, यदि किसी भी कंपनी के लिए। आइए जानते हैं दोस्तों एफआई के पास कितना है। एफआई के पास सितंबर 2019 में 3.18 था, उसके बाद सितंबर 2020 में ये 3.71, तो ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, आसपास ही है। डीआईए के बारे में जानते हैं दोस्तों, सितंबर 2019 में देखेंगे 3.5 था, सितंबर 2020 में ये 2.98 है। तो दोस्तों डीआईए ने थोड़ा कम किया है अपना होल्डिंग। आइए जानते हैं दोस्तों कि सितंबर 2019 में पब्लिक के पास कितना था। पब्लिक के पास अराउंड 40.8 था सितंबर 2019 में, और अभी भी उतना ही है दोस्तों, अराउंड 40.08 सितंबर 2020 में, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है दोस्तों। तो आपने न्यूज़ देख लिया दोस्तों, इसके फाइनेंशियल देख लिया, चार्ट भी देख लिया, अभी आगे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो यदि आप देखेंगे दोस्तों, ये अपने, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ब्रेक कर देगा, तो मुझे लगता है ये ऊपर जाने के चांसेस हैं दोस्तों। तो यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट का पोजीशन बना सकते हैं आपको, लेकिन खुद की एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक मैं अपने यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं फ्री के इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस के कॉल देता हूँ।
वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। और इस तरीके से दोस्तों, यदि आप ये आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। आइए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।